अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ राफिया दुरानी और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रोग्राम जायकों की दुनिया। आ जाते हैं जी रेसिपीज़ की तरफ। बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं आज हमारी। बटर चिकन बना रहे हैं लेकिन बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बटर चिकन बनाऊंगी। थोड़ा सा दूंगी देसी टच और आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिनेशंस की ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़ेदार हमारा बटर चिकन बनेगा। साथ में बना रहे हैं एक डिज़र्ट, अरेबियन ब्रेड पुडिंग बना रहे हैं। बहुत मज़े का डिज़र्ट है, बिल्कुल थ्री मिल्क की तरह, थ्री मिल्क केक की तरह बनता है। और हमेशा की तरह रवायत को बरकरार रखते हुए बनाएंगे एक ड्रिंक और हम बना रहे हैं ग्रेप मोहितो। चले जी रेसिपी भी साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बटर चिकन को स्टार्ट करूँगी। आप मुझे कॉल्स कर सकते हैं, आपके एरिया का मौसम कैसा, आज आप क्या बना रहे हैं ज़रूर बताइए। साथ साथ चाय का सिप भी लेते हैं जी। अच्छा जी, अब ये है बटर चिकन, तो हम इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑयल डालेंगे और ज़्यादा हम इसमें बटर ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसमें बटर का फ्लेवर ज़रा ज़्यादा चाहिए। अच्छा जी, अब हम डायरेक्टली बटर क्यों नहीं डाल रहे, मैं साथ साथ आपको जो टेक्निक्स बताती हूँ और जो टिप्स बताती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। हम इसलिए इसके साथ हम डायरेक्टली बटर नहीं डाल रहे क्योंकि जब आप बटर को हाई फ्लेम पे डायरेक्टली डालेंगे तो वो जल जाता है और फिर वो जब जल जाता है तो वो सारी खुशबू के बजाय उसमें स्मेल आती है। तो इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और साथ थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बटर डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ जी। बोनलेस हमने लिया है चिकन और क्यूब्स कर लें आप अपनी मर्ज़ी के, उसका साइज़ कर सकते हैं, छोटे रखना चाहते हैं छोटे कर लें, बड़े रखना चाहते हैं आप बड़े रख सकते हैं। साथ में हमने ले लिया है एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया है ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और क्रीम जाएगी, दही है। बहुत सिंपल से पाउडर्ड मसाले हैं, सिर्फ नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा खुश धनिया का पाउडर जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और जाएगी कसूरी मेथी। बहुत सिंपल बट बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। अच्छा जी, आज आपने कॉल करके मुझे ये बताना है कि कोई ऐसी अच्छी सी, कोई मज़ेदार सा किस्सा बताएं कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहे थे और आपसे हो गया था कोई ना कोई किचन में डिज़ास्टर और आपने उसको किस तरह से कवर किया, जिसकी स्टोरी सबसे मज़ेदार और बहुत अच्छी तरह से कवर की गई होगी कि आपने उसको किस तरह से हैंडल किया, तो उसको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। यकीनन बहुत मज़ेदार मज़ेदार सी स्टोरीज़ होती हैं। कई दफ़ा आपसे डिज़ास्टर भी हो जाता है, कई दफ़ा गलती भी हो जाती है, बट आप उसको किस तरह से कवर करते हैं, किस खूबसूरती से कवर करते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये हमने बटर को थोड़ा सा ऑयल के साथ सिज़ल कर लिया और फिर मैंने डाल दिया था प्याज। प्याज को बहुत फाइन चॉप करना है, बहुत ही छोटा छोटा जैसे ऑमलेट के लिए काटते हैं। साथ डाल देंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच भर के। कुछ रेसिपीज़ में चिकन को अलहदा से मैरिनेट भी किया जाता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको बिल्कुल भी मुश्किल रेसिपी नहीं बताऊंगी। ये बहुत सिंपल है, हम साथ ही इसकी ग्रेवी बनाएंगे, साथ ही चिकन को इसमें अच्छा सा भून लेंगे और बिल्कुल भी इसको अलहदा से आपको मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। बस इसकी अच्छी सी वो जो हमने एक कंसिस्टेंसी देनी है वो यही है कि हमने प्याज को बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लिया है और टमाटरों को हमने ग्राइंड कर लिया है जी। अब चले जाते हैं इसमें ये टमाटर, दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसमें क्रीम और योगर्ट भी जाएगा तो वो बेसिकली तो उसकी क्रीम और योगर्ट से इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनती है। थोड़ा सा इसको तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे, टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से भुज जाएं। डाल लेते हैं जी कुछ मसाले, सिंपल से जैसे मैंने आपको बताया इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1/2 kg जो है वो चिकन जो है मैंने ले लिया है बोनलेस, 1 टीस्पून जाएगी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के डालेंगे खुश धनिया का पाउडर ये अच्छा लगता है, 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी
और 1 teaspoon भर के ज़ीरा जाएगा। हमेशा की तरह कसूरी मेथी को हम इसी तरह हाथ से थोड़ा सा मल के डालेंगे और थोड़ा सा हम जो है इसको बाद में ऐड करेंगे जब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। अच्छी सी कर लेंगे इसकी भुनाई और भुनाई करते साथ जो है हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। फिर चिकन को भी हम हाई फ्लेम पे अच्छा सा भून देंगे। आप देखिए इसकी ग्रेवी बिल्कुल, हमने इतना अच्छा प्याज को फाइन छोटा छोटा सा चॉप किया है और टमाटर को भी ग्राइंड कर लिया है कि ये अब जब हम इसमें योगर्ट और क्रीम डालेंगे तो फिर ये बहुत ही मज़े की कंसिस्टेंसी इसकी बन जाएगी। चिकन क्यूब इस साइज़ के हैं, मैंने इस साइज़ के रखाए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से थोड़े बड़े भी कर सकते हैं और इससे छोटे, तो मेरे नहीं ख्याल के इससे छोटे होने चाहिए, इससे हाँ आप साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। अच्छी सी इसकी भुनाई कर लेंगे। बोनलेस जो चिकन है वो बहुत जल्दी जो है टेंडर हो जाता है, मैक्सिमम 10 मिनट इसका कुकिंग टाइम होता है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी कर देंगे तो ये, अगर आपने चेस्ट पीसेस लिए हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा चुई से हो जाते हैं, वो रबड़ी रबड़ी से हो जाते हैं, तो बस आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। ये 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छा गल जाता है और थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। अच्छा जी, ये अच्छा सा इसको हम पहले ना तेज़ आंच पे अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे, थोड़ा सा इसको दम देंगे और जब ये 10 मिनट तक अच्छा हमें लगेगा कि टेंडर हो गया है तो फिर हम इसमें क्रीम और योगर्ट को ऐड करेंगे और बस वो उसके तकरीबन फाइनल स्टेप्स हैं। पहले हमने इसको अच्छा सा भून के जो है वो टेंडर कर लेना है चिकन को अच्छी तरह से। इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ। अच्छा जी, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए जायकों की दुनिया। ये देखें जी, ये हमने इसकी तेज़ आंच पे थोड़ी सी अच्छी सी भुनाई की थी और ये बहुत ही अच्छा सा जो है, इसको मैं पीछे रख देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है अच्छा सा भुज गया है। और जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भुनाई करते हैं तो ऑयल जो है वो इस तरह से साइड्स पे आ जाता है या ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आपने इसकी अच्छी सी भुनाई कर ली है। थोड़ा सा इसको हमने टेंडर करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10-1 मिनट लगेंगे इसको टेंडर होने में, साथ जब हम इसमें योगर्ट और क्रीम ऐड करेंगे तो वो भी हेल्प करेंगे इसको सॉफ्ट होने में। क्रीम और योगर्ट को हम मिक्स करके भी डाल सकते हैं और अलग अलग भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी और बुनाई करूँगी ताकि चिकन थोड़ा सा और टेंडर हो जाए और फिर इसमें हम साथ साथ, क्योंकि ये बटर चिकन है तो थोड़ा सा बटर और ऐड करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल हमने इसमें कम किया है और ये बटर चिकन है तो इसमें बटर का फ्लेवर ज़्यादा होना चाहिए। तो अब जब हम बाद में डालते हैं तो बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आती है। कॉलर है साथ साथ कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समीना आप? अल्लाह का शुक्र है, बस आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। मैंने कल भी कॉल की थी और कल भी आपकी रेसिपी चना पुलाव और मेथी चिकन बहुत ही यम्मी लग रहा था। अभी मैंने ट्राई तो नहीं किया। अच्छा, लुक वेरी यम्मी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ट्राई करूंगी। थैंक यू, आप जरूर ट्राई करें और एक दिन कॉल करके फिर आप हमें ये भी बताएं कि वो कैसा बना। कैसी बनी? बिल्कुल जरूर जरूर। और इस्लामाबाद टी का मैंने अभी अभी कप रखा है चाय का। अगेन आई एम सेइंग इट्स बेस्ट टी राइट नाउ इन पाकिस्तान। दैट्स ट्रू, मेरी भी बहुत फेवरेट बन गई है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और दूसरा, मैंने जो आपने क्वेश्चन किया था कि कभी कोई ऐसा गेस्ट आ रहे हो और मिस हैप हो, तो मैं एक किस्सा उसको सुनाना चाह रही हूँ जब कि मुझे कुकिंग नहीं आती थी। एग्जैक्ट, बिल्कुल स्टार्ट था कुकिंग सीखने का और करने का। और शादी के बाद ज़ाहिर है लड़कियां ज़्यादा वही कोशिश होती है कि सीख लें, तो मुझे कहा गया कि बिरयानी बनाएं। मुझे इतनी आती नहीं थी ज़ाहिर है उस टाइम पे कुकिंग, तो बिल्कुल
अच्छा। तो मैंने जब चावल बॉयल किए तो वो थोड़े से ना नरम हो गए, तो देन आई थॉट कि भाई नरम हो गए चावल तो बिरयानी तो अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने उसको ना वेजिटेबल्स को जो थी वो लदा से करके, तो मेरे ऐसे मेरे ब्रेन में आया कि मैं इसके चाइनीज राइस बना लेती हूँ। तो वो इंस्टेड ऑफ बिरयानी के मैंने उसको अलहदा से वेजिटेबल्स को सौते किया और उसको मैंने लाइटली उसको चावलों को उसमें मिक्स कर दिया। और वो जो मेरा एक बड़ा डिजास्टर हो जाना था अगर मैं बिरयानी बनाती, तो मैंने उस तरह से उसको कवर अप कर लिया। वेरी नाइस। देखिए आपने कितनी समझदारी से वो किया कि आपने ओवर कुक नहीं किया ना, अगर आप उसको फिर दोबारा गीला करती मॉइस्चर चावलों में क्रिएट होता है तो वो खराब हो जाते हैं। तो आपने ना वो चिकन में या उसमें दोबारा आलू में जाता exactly, मसाला exactly, जाता बिल्कुल। तो मुझे कुकिंग आती भी नहीं थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग आती है, लेकिन ये काफी पुरानी बात अब हो गई है। तो एनी हाउ मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो मैंने किसी से ये आज शेयर नहीं किया हुआ। आज तो फिर सबको पता चल गया कि इसने हमें बिरयानी क्या के चाइनीज राइस क्यों खिलाए थे उस दिन। तो चले थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपकी टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और अल्लाह मियां आप लोगों को बहुत और तरक्की अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया समीना, अल्लाह हाफिज़। ये थी जी समीना की स्टोरी, बहुत ही स्वीट सी हमारी कॉलर हैं, बड़ी मज़ेदार सी इन्होंने स्टोरी बताई और इन्होंने किस तरह से उसको हैंडल किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था और बड़ा वाइजली इन्होंने हैंडल किया कि चावलों को बार बार मॉइस्चर या टमाटर या प्याज में नहीं डाला और उनको साइड पे कर लिया और फिर अलहदा से वेजिटेबल्स को रेडी किया और फिर उसमें एडजस्ट कर लिया, तो इस तरह से वो जो डिज़ास्टर है वो बच गया। अच्छा जी, अब मैं बता दी हूँ जी हमने किया क्या है। मैंने अच्छी तरह से उसको और थोड़ा सा भुनाई की और साथ में मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया था क्योंकि ये बटर चिकन है। और मैंने कॉलर से बात करते हुए क्या किया था कि क्रीम की 2 से 3 टेबलस्पून और इसी तरह इक्वली दही की 2 से 3 टेबलस्पून को अच्छी तरह से मिक्स किया है, फेंटा है और इसमें डाल दिया है। जब आप क्रीम या योगर्ट को डालेंगे तो उस वक्त आपने आंच को हल्का कर देना है ताकि ये फटे नहीं, और फिर आप बेशक इसको तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही मज़े की इसकी जो है ग्रेवी रेडी होगी। अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखेंगे। इस स्टेज पे हमेशा की तरह जो मुझे अच्छा भी लगता है और इसका डेफिनेटली इसमें टेस्ट भी ऐड होता है, थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया डालूंगी और अब इसको हम दम पे कर देंगे। क्वांटिटीज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं, अब ज़्यादा बना रहे तो ज़्यादा दही और ज़्यादा आप योगर्ट क्रीम को ऐड कर सकते हैं। ये जी खूबसूरत सा हमारा बटर चिकन बन रहा है, हार्डली इसको 5 से 7 मिनट का और दम देंगे, साथ ही अपना मीठा स्टार्ट कर लेते हैं। मीठे के लिए हमें दूध को करना है बॉयल। बहुत ही मज़ेदार अरेबियन ब्रेड पुडिंग है, बहुत अच्छी बनती है और हार्डली 15 मिनट में बन जाती है। ये बड़ा क्विक सा डिज़र्ट है बट ये बहुत ही अच्छा लगता है, जिस तरह 3 मिल्क केक जो है वो मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये बिल्कुल उसी तरह से टेस्ट करता है। थोड़ा सा हम दूध ले लेंगे और हाफ लीटर इज़ मोर देन इनफ अगर आपने 10 से 12 लोगों की सर्विंग बनानी है या आपने एक डिश बनानी है। थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड करेंगे, ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करेंगे, और थोड़ा सा इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऐड की हैं और इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम गार्निशिंग में ऐड करेंगे। ठीक है जी, बहुत सिंपल से 3-4 इंग्रेडिएंट हैं, कंडेंस मिल्क है, क्रीम है, इलायची पाउडर है, थोड़े से नट्स हैं, कस्टर्ड है, दूध है और ब्रेड स्लाइसेस हैं। डालते हैं इसमें जी कस्टर्ड और हमने इसको बिल्कुल पतला सा रखना है, हमने इसको रनी रनी रखना है ताकि जब हम इसको ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। वो कर देते हैं जी साइड पे। 1 चम्मच मैंने जो है वो ले ली है कस्टर्ड की। समीना की स्टोरी थी जी बहुत मज़े की, इसी तरह मैं आप सबकी स्टोरी सुनना चाहूँगी और फिर जो बेस्ट स्टोरी और बेस्ट जिसने सोल्यूशन किया होगा हम उसको देंगे गिफ्ट हैम्पर।
मिसेस तौसीफ की कॉल है जी, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं अपनी स्टोरी सुनाना चाह रही हूँ। जरूर जरूर। एक दफा हमारे घर में दावत थी जी, तो मैंने मकरोनी बनाई ना जी, तो वो जरा टूट गई। अच्छा। मैंने कहा मेहमान आ रहे हैं, मैं क्या करूं जी। फिर मैंने किया कि व्हाइट सॉस बनाई, फिर मैंने वो चीज डाली ऊपर व्हाइट सॉस, मैंने लज़ानिया बना लिया उसे। नाइस नाइस। और उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी डिश है, मतलब लज़ानिया की। आपने जो मैक्रोनी है उसको स्टफ कर दिया, ऊपर लेयर्स लगा दी, तो मैक्रोनी जो टूटी हुई भी थी वो नजर नहीं आई। उन्होंने कहा बहुत मजे की डिश है आपकी, व्हाइट सॉस बनाई वो बिल्कुल लज़ानिया टाइप बन गया। वेरी नाइस। आपने भी देखे, ये हमारी जो ख्वातीन हैं पाकिस्तानी, वो माशाल्लाह से दे आर सेंसिबल, दे नो के किस तरह से हमने जी। मैं रेड सॉस बनाई, फिर चिकन, वही सारा ना, बिल्कुल पहचान ही सकता था कि लज़ानिया नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। और आपको कुकिंग का शौक है? जी जी, मैं बनाती रहती हूँ माशाल्लाह। ठीक है, अपनी स्टोरी शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अभी हम और लोगों की भी स्टोरी सुनेंगे और फिर उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे और फिर इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने इसको पतला पतला सा रखा है, ज़्यादा थिक नहीं करना है। और ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और बाकी स्टेप करती हूँ ब्रेक से आने के बाद। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें। मैंने जैसे आपको बताया था कि दूध लिया है तकरीबन हाफ लीटर, वो सर्विंग पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा लोगों की, मैं एक डिश बना रही हूँ, मैक्सिमम 7 से 8 लोगों की सर्विंग बन रही है, तो मैंने हाफ लीटर दूध दिया है और उसमें 1 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड की डाली है, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने चीनी ऐड की है और थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया है। अब कर लेते हैं जी इसकी असेंबलिंग। बटर चिकन जो है वो हमारा दम पे है ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। करती हूँ आपके सामने असेंबलिंग। ब्रेड स्लाइसेस ले लेने हैं और बेस पर आपने ब्रेड स्लाइसेस ऐसे लगा देने हैं। ठीक है जी। उससे पहले हम इसका एक बैटर बनाएंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम कंडेंस मिल्क और क्रीम और दूध से एक बैटर बनाएंगे साथ साथ, जिसको हम ऐड करेंगे। ठीक है। साथ ही पहले वो बैटर भी बना लेती हूँ ताकि असेंबलिंग में आसानी हो। क्रीम लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून आप क्रीम ले लें, इसी तरह 2 से 3 टेबलस्पून आप कंडेंस मिल्क ले लें और इसको आप मिक्स करेंगे दूध के साथ। हमने एक उसी तरह से रनी रनी सा बैटर बनाना है और फिर ये रनी सा जो बैटर है हम इसको भी साथ साथ स्प्रेड करेंगे। पहले एक लेयर हम कस्टर्ड की लगाएंगे जो हमने ये पतला सा बनाया है और साथ फिर हम इसकी लेयर लगाएंगे और इसी तरह से प्रोसेस को साथ साथ आप रिपीट करेंगे। 2 दफ़ा कर सकते हैं, 3 दफ़ा कर सकते हैं, आपकी डिश पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी है। अच्छा सा इसको हम मिक्स कर लेंगे। बाउल छोटा है तो जी इसको एहतियात से करेंगे ताकि ये बाहर ना गिरे। ये देखिए जी, कंडेंस मिल्क आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, फिर वो बहुत स्वीट हो जाता है, कि हमने कस्टर्ड में भी थोड़ी सी शुगर को ऐड किया है। ये देखिए जी, अब हमने करना क्या है जी, पहले हमने लगा दी है ब्रेड के लिए बटर चिकन। एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ, साथ साथ ये बन रहा है। एंड पे हम थोड़ा सा आंच को तेज़ करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे, उतनी देर तक चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो रनी सा बैटर हमने बनाया, देखिए हमने कस्टर्ड को बिल्कुल भी थिक नहीं किया है, ये इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिकॉज़ जब हम इसको ब्रेड पे लेयर करेंगे तो ब्रेड इसको फौरन से एब्जॉर्ब कर लेगी। चलिए जी, अब लेयरिंग कर लेते हैं। अच्छी तरह से हम पहले कस्टर्ड, अच्छी तरह से आपने सारी ब्रेड को गीला कर लेना है। ये हर बाइट इतना सॉफ्ट, इतना मॉइस्ट और बहुत ही मज़े का होता है।
ये देखिए जी, अब हमने इसको रनी सा रखा है, पतला रखा है, तो इसलिए ये एकदम से थिक नहीं हुआ और अच्छा सा इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। अब करेंगे क्या, ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर, या वो फिर इसमें अंदर जो है वो फ्लेवर होगा, और साथ हम करेंगे इसकी लेयरिंग। ये स्पून ले लेंगे और साथ ही साथ आप इसकी इस तरह से लेयरिंग करेंगे। कंडेंस मिल्क और क्रीम और जो दूध है इसका बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर आएगा और ये बहुत ज़्यादा इसको मॉइस्ट भी रखेगा। मीठा आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कर लेंगे, अगर आपको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड लेयर इसी तरह करेंगे। अच्छा, कट कर लेते हैं। हमारी जो दूसरी कॉलर हैं उनकी भी बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी थी, जिन्होंने वाइजली जो है वो डिज़ास्टर होने से बचाया और इस तरह से उन्होंने जो पास्ता था उसको लेयरिंग में कर लिया और वो छुप गया और बहुत ही अच्छा बन गया। इस तरह से बस वाइजली आपने चीज़ों को हैंडल करना होता है तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। ये देखिए जी, अच्छी तरह से आप इसको प्रेस भी कर लेंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हम इससे ज़्यादा इसकी लेयरिंग कर पाएंगे। उसी तरह से पहले हम इस पर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। आपने बिल्कुल भी कस्टर्ड जो है ना वो उसको ज़्यादा थिक नहीं करना, ये इस तरह रनी रनी ही होना चाहिए। सारी ब्रेड पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। जो भी फ्लेवर आपको कस्टर्ड का अच्छा लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं, बनाना अच्छा लगता है, वनीला अच्छा लगता है, जो आप वेरिएशंस भी कर सकते हैं जी। कॉलर है साथ साथ, जन्नत है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम जन्नत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसका फुल क्रेडिट आपको और आपकी पूरी टीम को जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत प्यारी है, आपका ये बात करने का अंदाज, सिखाने का अंदाज, सब कुछ बहुत बेस्ट है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और आप मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट शेफ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैंने आपसे अपनी स्टोरी शेयर करनी है। जी जी प्लीज। ये लास्ट वीक, हाँ जी, ये लास्ट वीक की बात है। मैंने ना केक बेक करने के लिए रखा तो वो ना थोड़ा ओवर कुक हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा मैं इसका क्या करूँ, मैंने उसी वक्त कस्टर्ड डाला दूध के अंदर, साथ मैंने क्रीम डाली, साथ मैंने फ्रूट डाले, और वही केक मैंने कस्टर्ड के अंदर डाल के ना, तो मुझे एकदम से आपकी बात याद आ गई, फ्रूट ट्रैफल जो आपने बनाया था लास्ट वीक। एग्जैक्टली, वो बहुत मज़े का बना, और सबने, मैंने कहा मेहमानों के आगे ये सर्व कर देती हूँ, वो बहुत अच्छा डिजर्ट बन गया। एग्जैक्टली, वो आपने उसको स्पॉन्जी कर दिया ना, आपने ऐड कर दी चीजें, वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया। जी बिल्कुल, वेरी नाइस जनरल, दिस वॉज रियली ब्रिलियंट आइडिया, ये बहुत ही अच्छा। ये आइडिया मुझे आपसे मिला, आप ही। नहीं थैंक यू, ये आपका अपना वो है, क्रेडिट भी आपको जाता है। मुझे इतनी तारीफ हुई, मैंने सबसे कहा ये मुझे शेफ राफिया ने बताया था बनाना, मैंने आपसे लच्छा पराठा भी सीखा है, और वो जो पीच आइस टी आपने बनाई थी, मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ये जान के मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कहते हैं कि इस तरह से आपने मुझसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और आप ट्राई भी करते हैं और वो अच्छी भी बनती हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग जन्नत, कॉल ड्रॉप हो गई है। जन्नत का आइडिया वॉज टू गुड। देखिए अब केक हार्ड हो गया, आप इस तरह से केक सर्व करेंगे तो वो कोई भी नहीं खाना चाहेगा, और इस तरह से जब आप उसको कस्टर्ड या इस तरह की क्रीम और इस तरह की चीज़ों में ऐड कर देंगे तो वो डेफिनेटली सॉफ्ट हो जाएगा, और वो फ्रूट ट्राइफल में उन्होंने यूज़ कर लिया और उसको ज़ाया नहीं किया, ये ब्रिलियंट आइडिया था। अच्छा जी, साथ साथ उसी तरह मैंने लेयर लगा ली है, अब हम फाइनल इसकी गार्निशिंग करें।
उसी तरह मैंने पहले कस्टर्ड की लेयर लगाई, अच्छी तरह से ब्रेड को छुपा दिया है ताकि वो अच्छी तरह से जो है ना इसमें अच्छी सी लेयर लग जाए। और उसी तरह जो हमने कंडेंस मिल्क और क्रीम और दूध मिक्स किया था वो उस तरह उसकी एक लेयर लगा दी थी। अच्छा जी, ये साथ में हम कर लेते हैं इसी तरह नट्स से गार्निशिंग। अच्छा, अब आपने ना इसको चिल करना है सही वाला, अच्छा सा 2-3 घंटे आपने फ्रिज में रखना है ताकि ये जो जितनी हमने चीज़ें डाली हैं ब्रेड अच्छी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, तो फिर बहुत मज़े का इसका टेस्ट होगा आपको। अच्छा, साथ में डालेंगे जी थोड़ी सी ये रोज़ पेटल्स हैं, आपको ये भी बता देती हूँ कि किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। आपने रोज़ पेटल्स को पहले सुखा लेना है अच्छी तरह से, सुखाने के बाद आप इसको माइक्रोवेव कर लेंगे तो ये इस तरह से ड्राई हो जाएंगी। तो जस्ट टू गिव इट अ कलर, और ये पत्तियाँ जो हैं वो खाने में भी अच्छी लगती हैं। मैंने बहुत सारे मीठों पे फ्लेवर्स ऑफ कश्मीर में इनका इस्तेमाल किया है क्योंकि कश्मीर में जो है वो डिज़र्ट्स को पत्तियों की गार्निशिंग के साथ सर्व किया जाता है। तो ये देखें, ये एकदम से इसका जो कलर है वो भी कितना खूबसूरत बन के निकल आया है। चाय का एक सिप लेती हूँ साथ साथ। अच्छा जी, ये बस ये हमारा डिज़र्ट हो गया है तैयार। बटर चिकन जो है वो बन रहा है, ब्रेक से आके बनाऊंगी ड्रिंक आपके सामने, देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी, लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक, डिश आपके सामने ही उसको गार्निश भी किया था, रख दिया है। और बटर चिकन हमारा तकरीबन रेडी है, इसको हमने बस सर्व करना है थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ। बना लेते हैं अपना ग्रेप मोहितो। मोहितोज मैंने आपको बहुत सारे बनाने सिखाए हैं, आज हम ग्रेप मोहितो बना रहे हैं। मोहितोज में जो है वो सोडा वाटर आप डालते हैं, और ये जी 1 कप भर के, आजकल ग्रेप्स बहुत अच्छे हैं, मैंने डाल दिए हैं अंगूर, साथ में एक बड़े लीमू का रस है, थोड़ा सा जाएगा इसमें। आप मोहितो इसमें बहुत सारे ना वेरिएशंस कर सकते हैं, काला नमक थोड़ा सा जाएगा, साथ में नमक जाएगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इसमें शुगर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जाएगी। मैं डालूँगी इसमें 3 टीस्पून के बराबर, ठीक है जी। आप इसको हमेशा की तरह रिप्लेस कर सकते हैं हनी के साथ। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं इसमें, और इसको हमने फिर छान लेना है। ये देखें जी, बहुत मज़ेदार आजकल वो हैं अंगूर हैं, मीठे हैं सही, आप इसके डिफरेंट ड्रिंक्स भी बना सकते हैं और वैसे भी खाने में अच्छे लगते हैं। अच्छा सा मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, अब इसको हम छान लेंगे, ठीक है। और अगला स्टेप जो है वो फिर हम छानने के बाद करेंगे। बटर चिकन को कर देते हैं बंद क्योंकि ये हो गया रेडी, और ये फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये अच्छा सा इसको छान लेंगे, अच्छा सा मैंने ब्लेंड किया, बड़ा लाइट सा इसका खूबसूरत सा कलर बनेगा, और 5 मिनट में ये बन जाता है ड्रिंक, ठीक है। इसी तरह आप वेरिएशंस करके डिफरेंट मोहितोस बना सकते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें सोडा वाटर भी होता है जी। मैमूना की कॉल है, अस्सलाम वालेकुम मैमूना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ राफिया? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सब ठीक हैं? आप माशा बहुत अच्छी हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया मैमूना, थैंक यू सो मच। आप हमारी और आप आज आपकी रेसिपी से काले वाले चना पुलाव बना रहे हैं घर में। अच्छा
जी जी बिल्कुल बना फिर अगले संडे अगर सिमटी रही तो फिर आपको मैं कॉल करके बताऊंगी कैसी बनी है। इंशाल्लाह आपने फिर नेक्स्ट वीकेंड मुझे जरूर बताना है अगले शो में। इंशाल्लाह अभी बिलीव करे मेरा मोबाइल खराब था, मेरी शुगर इतनी हाई थी, फिर भी मैं मार्केट गई मोबाइल सेट करवाया, फिर आप अभी आकर आपको कॉल भी कर रही हूँ। थैंक यू मैम ममूना, थैंक यू सो मच, आप हमारी बहुत स्वीट कॉलर है। आप तो हमें भी इंतजार रहता है आपकी कॉल का। बस अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी तो फिर करेंगे, बस कभी कभार तबियत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, शुगर लो हो जाती है। अच्छा जिंदगी दे जी, फिर ब्लड प्रेशर का भी मसला है, वो भी देखना पड़ता है सब कुछ। आप ख्याल रखें अपना ममूना, आप हमारी बहुत स्वीट कॉलर हैं और हमें बहुत अजीज हैं आप। जी आप सब दुआ कीजिए, अल्लाह ताला बस किसी का मौत हाथ ना करे, पलटन पाते सकते हैं, दुआ करते हैं आपके लिए भी ढेर सारी दुआएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी ये देखें अभी जाएगा ये इस तरह से, जो हमने इसको छान लिया थोड़ा सा गिर रहा है, बट कोई बात नहीं मैं इसको क्लीन भी कर लूँगी। बस इतना इतना हमने क्या किया है, पहले मैंने ऐड की है इसमें आइस और उसके बाद मैंने जो जूस को ब्लेंड किया था वो निथार के डाला है, ठीक है। लेमन स्लाइसेस ऐड किए जस्ट टू गिव इट अ गुड लुक और मोहितो की एक जी साथ साथ क्लीन करेंगे, कोई बात नहीं, काम करते हुए जो है थोड़ा चीज़ें गिरती हैं मैस्ड अप होती हैं, साथ साथ आप इसको क्लीन कर लें, ये बेसिक एथिक्स भी हैं। अब जाएगा इसमें सोडा वाटर और बस ये हमारा ड्रिंक रेडी है। बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसका बनता है, ये ग्रेप मोहितो जो है हमारा रेडी हो गया। देखें कितना खूबसूरत सा लाइट सा, आज जैसा मैंने ड्रेस का कलर पहना हुआ बिल्कुल हमारा मोहितो जो है वो उसी कलर का बना है। साथ में कर लेते हैं इसको थोड़ा सा गार्निश और कर लेते हैं साथ ही बटर चिकन को डिश आउट। हमारा मज़ेदार सा बटर चिकन रेडी है, आप जितना इसको रनी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ये नान के साथ आप जो है वो खा सकते हैं। और थिक करना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद भी थिक कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है कि थोड़ा सा ये और थिक हो जाएगा जब ठंडा होगा। और साथ ही साथ हमने इसको नान के साथ खाना है तो फाइनल इसकी गार्निशिंग साथ साथ ही कर लेती हूँ। थोड़ी सी जाएगी वही जैसे मैंने बताया था कसूरी मेथी इसके ऊपर, और चूंकि ये बटर चिकन है तो हम इसके ऊपर डाल देंगे एक क्यूब बटर का, ठीक है जी। ऑलमोस्ट हमारी रेसिपीज तैयार हैं, गार्निशिंग कर रही हूँ साथ साथ में, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आज की जी ये थी हमारी रेसिपीज़ जिसमें हमने बनाया है बटर चिकन। बटर जो है थोड़ा सा मेल्ट हो गया क्योंकि वो बहुत गर्म थी, तो आप थोड़ा सा डिश को सेटल होने दें, थोड़ा सा ठंडा होने दें, तो फिर आप बटर का एक क्यूब रख दें। ये थी आज की हमारी डिशेज़ जिसमें ग्रेप मोहितो बनाया, ब्रेड पुडिंग बनाई है अरेबिक और साथ में बनाया है बटर चिकन। रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे सुबह 11 बजे। अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 oh
बटर चिकन, अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, प्याज एक अदर, टमाटर प्यूरी दो टमाटरों की, मक्खन 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, उसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, दही आधा कप, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, खुश्क धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब, एक पैन में थोड़ा तेल और मक्खन गर्म करके बारीक कटी प्याज गोल्डन ब्राउन कर लें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्राइंड किए हुए टमाटर और मसाले डालकर भूनें। उसके बाद चिकन शामिल करके भून लें। उसके बाद दही और क्रीम फेंट कर मिला दें, साथ ही कसूरी मेथी डालकर 5 मिनट का दम दें। मज़ेदार बटर चिकन गर्म गर्म सर्व करते हैं। अरेबिक ब्रेड पुडिंग, अज्जा दूध 1 लीटर, ब्रेड स्लाइसेस 8 से 10 अदद, कंडेंस मिल्क 3 से 4 खाने के चमचे, क्रीम आधा कप, ड्राई फ्रूट हस्बे ज़रूरत, गुलाब की पत्तियां 1 खाने का चमचा, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, कस्टर्ड 2 खाने के चमचे, चीनी आधा कप। तरकीब, एक पैन में दूध उबालें, अब इसमें चीनी और कस्टर्ड डालकर पकाएं। ब्रेड स्लाइसेस के किनारे हटाकर इन्हें बेस पर लगाएं। अब क्रीम और दूध को मिक्स करके पतला बैटर बनाएं। फिर कंडेंस मिल्क मिलाकर ब्रेड स्लाइसेस पर लेयर लगाएं। इस अमल को 2 से 3 बार करें। आखिर में ड्राई फ्रूट, गुलाब की पत्तियां और पिसी इलायची से गार्निश करके सर्व कर दें। ग्रेप मोहितो, अज्जा अंगूर 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, नमक 1 चुटकी, काला नमक 1 चुटकी, आइस क्यूब्स 8 से 10 अदद, लीमू का रस 1 लीमू का, सोडा वाटर हस्बे ज़रूरत। तरकीब, ब्लेंडर में अंगूर, नमक, काला नमक और चीनी डाल के ब्लेंड कर लें, साथ ही लीमू का रस मिलाकर इसे छान लें। अब ग्लास में आइस क्यूब्स डालकर तैयार किया हुआ मिक्सचर शामिल करें और सोडा वाटर डाल दें। अब इसे गार्निश करके सर्व कर दें। Add some masala to your life.